देखिए बेटे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमने ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया है, ठोसों के संयोजन का आयतन हमने ज्ञात कर लिया है। अब जो है आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। रूपांतरण जानते हैं क्या आप लोग? रूपांतरण क्या करते हैं आप? यस सर, कि उसके रूप बदलना। हाँ, रूप परिवर्तन करना। जैसे ये बेलन है, ठोस है बेलन, अब इसको पिघला करके हमने गोला बना दिया, या गोले को पिघला करके हमने शंकु बना दिया, घनाभ को पिघला करके घन बना दिया, या बड़े गोले को पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बना दी, तो रूप तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है सर। लेकिन इसमें अब देखिए, रूप बदलते क्या होगा, उसकी सारी भौतिक परिस्थितियां जो हैं वो सारी की सारी परिवर्तन हो जाएगी। भौतिक परिस्थितियां जो हैं वो सारी की सारी परिवर्तित हो जाएंगी। भौतिक परिस्थितियां, जैसे अभी इसके आकार ऐसा है, अगर इसको गोला बनाते तो आकार अलग हो जाएगा ना, फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अलग होगा, तो भौतिक परिस्थितियां तो अलग हो जाएगी, जिसमें रूप वगैरह रंग वगैरह आकार जो भी आ गया, लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी, वो कभी नहीं बदलती है। किसी भी ठोस का अगर आकार बदल देंगे हम, रूप परिवर्तन कर देंगे, तो एक चीज है वो क्या है जो नहीं बदलता, बताओ? वॉल्यूम, यानी आयतन। अगर एक बेलन को पिघलाकर हमने शंकु बना लिया, तो बेलन का जो आयतन था वही किसका आयतन होगा? शंकु का आयतन होगा। तो रूप परिवर्तन में, आकार परिवर्तन में ऐसी कौन सी वस्तु, वो उनका जो गुण है पदार्थों का, जो बदलता नहीं है? आयतन। आयतन सबके आयतन जो है वो नहीं बदलता। आयतन जो है पहले जितना था उतना ही आयतन है अब रहेगा। ओके, चलो ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। जैसे कह रहा है एग्जांपल्स तो आप कर लेंगे, डायरेक्ट प्रश्नावली करेंगे अलग पढ़ दो, एग्जांपल आप कर लेना, फिर जो एग्जांपल नहीं आए वो पूछना, ठीक है बेटे? अब डायरेक्ट प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली 13.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात है। 4.2 सेंटीमीटर का धातु का गोला है, तो धातु के गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर क्या बनाया गया है? एक बेलन, ठीक है? पिघलाकर बनाए गए बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, कितनी है? 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या। ओके, हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई हमें ज्ञात करनी। तो हल कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो देखिए जो दिया गया हमें, कि किसको परिवर्तित किया है, किसको बदला हमने? गोले को। गोले को, तो गोले का आयतन निकालिए, गोले को 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 πr³, 4/3 × 22/7 × 4.2 4.2 4.2।
ये आ गया। तीन से भी कट गए, चार इंटू 22, दो बटे 10, 42/10, 10 सेंटीमीटर। इसको हल नहीं करना, ऐसे कैसे रखना है, ठीक है ना, हल लास्ट में करें। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि इसको पिघला करके हमने एक बेलन बनाया, गोले को पिघला कर बेलन बनाया ना, तो गोले में क्या समानता रहेगी कि जो गोले का आयतन है वही बेलन का आयतन समान रहेगा, बेलन का आयतन होगा, राइट। तो देखिए नए बने बेलन का आयतन गोले का आयतन यही होगा ना। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना, 4 × 22 × 2/10 × 42/10 × 42/10 × 42/10 22/7 × आर कितना इसका, 6 सेंटीमीटर। ये बोल रहा था, ये यार ओके, हमें एच का मान ज्ञात करना है। एच इज इक्वल टू इधर वाला तो ऐसे कैसे रह जाएगा, 4 × 22 × 2/10 / 42/10 / 42/10 बटे में क्या आ गया, 22 × 6 × 6 और ये 7 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। किससे क्या कटा, 22 से 22 कैंसिल हो गया, क्या 6 से कट गया 7 और ये भी कट गया 7, ठीक है। एच बराबर अब मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से गुणा करो 8 और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 7 का क्यूब कितना हो गया, 3 और बटे में कितना आ गया, 1000 आ गया क्या। अब 8 या 24 हासिल की 2 8 चौक 32 और 2 36 हासिल की 3 8 या 24 और 3 27, तो एच इज इक्वल टू 2.764 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आ गया क्या, ये आ गई बेलन की ऊंचाई। या 34 ही आएगा भाई, 8 चौक 32 और 2 34, सॉरी एच बराबर दो ही संख्या तक ले लो, 2.74 सेंटीमीटर इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रम से 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखिए माना ठोस गोलों की त्रिज्याएं क्रम से R1 बराबर तो कितना है, 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर, ओके। पर 3 ठोस गोले हैं उनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया, ओके। तो जो छोटे 3 गोले हैं उनकी त्रिज्या को हम R1, R2 और R3 मान लेंगे और वो तीनों की त्रिज्याएं दे रखी हैं, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा
पिघलाकर बनाए गए बड़े, त्रिज्या कैपिटल आर मान लो, क्या मान लें, कैपिटल आर। अब क्या होगा, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो क्या होगा, इन तीनों गोलों को पिघला करके तो बड़ा गोला बनाया ना, तो इन तीनों गोलों के आयतन के बराबर इस बड़े गोले का आयतन होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा ना। तो देखिए प्रश्न, यस सर, बड़े गोले का आयतन इज इक्वल टू तीनों गोलों का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन क्या हो गया, चार बटे तीन पाई कैपिटल आर माना है तो कैपिटल आर क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा, आर वन त्रिज्या वाले का तो चार बटे तीन पाई आर वन क्यूब प्लस चार बटे तीन पाई आर टू क्यूब प्लस चार बटे तीन पाई आर थ्री क्यूब, ये हो गया, हो गया, चार बटे तीन पाई आर क्यूब बराबर, क्या कॉमन आ रहा है इधर से बताओ, देखे एक तो चार बटे तीन कॉमन आ रहा है, चार बटे तीन पाई आर क्यूब, आर क्यूब कहाँ जा रहा है, आर पाई, आर तो अलग अलग, आर वन है या आर टू, आर थ्री अलग अलग त्रिज्या, तो ये अंदर बच गया आर वन क्यूब प्लस आर टू क्यूब प्लस आर थ्री क्यूब, चार बटे तीन से चार बटे तीन काट दो, पाई से पाई काट दो, अब मान रख दो आर क्यूब बराबर त्रिज्या कितने, आर वन क्यूब, आर वन कितना, छह का क्यूब प्लस आठ का क्यूब प्लस दस का क्यूब, छह का क्यूब कितना होता है 216, आठ का 512 और इसका 1000, कितना हो गया 1228, कितना हो गया आर क्यूब बराबर हो गया 1228, इसलिए आर बराबर 1228 को हम 12 का क्यूब लिख सकते हैं और ये घात 1/3 हो जाएगी, घनमूल करेंगे ना इसका, कहीं इधर क्यूब है वर्ग होता है तो वर्गमूल करते हैं, क्यूब है तो घनमूल करते हैं, तो घनमूल करो, घात 3 से 3 कट गया तो आर बराबर कितना आ गया 12 से, अतः बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो गई 12 सेंटीमीटर अंतर, नोट करो इसको, हाँ बेटे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है ना, व्यास तो कितना उसका 7 मीटर, कुआं कैसा होता है, बेलनाकार, वेरी गुड, जिसका व्यास तो कितना है 7 मीटर और गहराई कितनी है 20 मीटर, ठीक है, अब कुआं खोदेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा भाई, मिट्टी, 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 मिट्टी निकलेंगे तभी तो कुआ बनेगा ना, गहराई होगी, अब इस मिट्टी को निकाल करके उन्होंने क्या कर दिया, अब एक चबूतरा बना दिया, यस सर, बीस इंटू चौदह 22 × 14 सर, 22 × 14 लंबा और 14 मीटर चौड़ा, इस चौड़ाई का चबूतरा बनाए, अब चबूतरा कुछ ऊंचा भी तो होगा ना, यस सर, ऊंचा होता है किसका घनाभ के आकार का हो जाएगा भैया, तो आयत हो गया, yes, और आयत में ऊंचाई आ जाती है तो घनाभ हो जाता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल होते हैं तो घनाभ क्या करते होते, तो अब इसको निकाल के इससे निकली मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया जिसकी लंबाई है चौड़ाई है, वो करा इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो, क्या करे, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे बताओ भाई, इससे बेलन का आयतन और चबूतरे का आयतन दोनों का बराबर, इससे निकली मिट्टी से तो ये बनाना, तो इससे निकली मिट्टी क्या होगा, बेलन का आयतन होगा और उसी से चबूतरा बनाया तो चबूतरे का आयतन हो गया, ठीक है ना, और चबूतरे का आयतन क्या घना आप क्या करेगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई का भाग दे दो, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी तो होता है ना, घना वो आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं होता है,
तो आधार के क्षेत्रफल का यदि भाग है लंबाई इंटू चौड़ाई का इसके आयतन में, तो ऊंचाई आ जाएगी। कर ले, तो देखिए बेलनाकार कुए का व्यास 7 मीटर, कुए की त्रिज्या 7/2 मीटर, ओके, कुए से निकली मिट्टी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 × 7/2 × 20। ग्यारह इंटू सात इंटू दस मीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट नहीं करें आप, ऐसे प्रश्न कैलकुलेट नहीं करना होता, आगे जाके तो कट जाते हैं डायरेक्ट, तो गुणा करने की आपकी जो समय है ना वो बच जाता है। आप तो डायरेक्ट लग रहे ये मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब इस मिट्टी से बने चबूतरे का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो आधार का तो क्या हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, 22 × 14 और इंटू एच मीटर क्यूब। दोनों आयतन बराबर हैं क्या? यस सर, दोनों आयतन बराबर है ना। मिट्टी से बने चबूतरे का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन, तो ये कितना 22 × 14 × h = 11 × 7 × 10। h बराबर कितना आ गया 11 × 7 × 10 और बटे 22 × 14। 11 × 22 = 7 × 14, 10 × 4, 10 का भाग 2 = 4, 10 में भाग 2 = 4 का, 4 × 8, 2 बच गए, 4×5 = 20, 2.5 मीटर आ गया। तो चबूतरे की हाइट कितनी आ गई? 2.5 मीटर। व्यास 3 मीटर का एक कुआ 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर की चौड़ाई चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या करना है? इस बांध की ऊंचाई, वही कैसे बनेगा डायग्राम? ये तो कुआ हो गया, अब इससे निकली हुई मिट्टी को क्या कर दिया गया? इसके चारों ओर फैला दिया गया, तो वृत्ताकार वलय बनेगी नहीं बनेगी, ऐसा बन जाएगा, ऐसे ये वृत्ताकार वलय बन गई। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना, चारों तरफ इसी के चारों तरफ फैला देंगे ना कुए के, तो ऐसे वृत्ताकार वलय बन जाएगी नहीं बन जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल बन जाएगी सर, तो इसका क्षेत्रफल वो इसकी ऊंचाई याद करें, तो इसकी ऊंचाई के लिए क्या होगा? इसकी ऊंचाई के लिए क्या होगा? इस वलय के क्षेत्रफल का इसके आयतन में भाग देना है, और वलय का क्षेत्रफल क्या होगा इसका? ये त्रिज्या आर वन मान लो और ये त्रिज्या आर टू। आर टू संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा था हमने, π² − π r² = 2 मीटर और गहराई
14 मीटर, वृत्ताकार वलय की स्क्वायर होना आर टू क्या हो जाएगी, कितना चौड़ा बनाएगा इसको, 4 मीटर चौड़ा, चौड़ाई पहले तो देखो 4 मीटर, इसलिए त्रिज्या आर टू क्या हो जाएगी, ये तो कितना 1.5, 3 बटे 2 का कितना हो गया 1.5, आर वन तो कितनी 1.5 है, और ये 4 मीटर चौड़ी है तो 1.5 में 4 जोड़ दो, 5.5 मीटर आ गया। अब देखिए वले की ऊंचाई बराबर क्या करेंगे, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, डायरेक्ट भाग दो दाब दो, निकली मिट्टी का आयतन बटे कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बटे क्या होगा, वले का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो मिट्टी का आयतन तो कितना है, पाई आर वन स्क्वायर एच, और वले का क्षेत्र क्या हो गया, पाई कॉमन आ गया, आर वन स्क्वायर वो आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ये तो है, पाई से पाई काट दो, आर वन कितना है इसका 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, और बटे में आर वन कितना है आर टू, 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, नौ इंटू 7/2 और बटे में 5.5 का वर्ग कितना आ गया 30.25 माइनस 2.25 कितना आ गया, ये आ गया 9 × 7/2 और यहाँ 30.25 में 2.25 कटाएंगे तो कितना आ गया 28 आ गया, 9 × 7/2 × 28 ये दो भी नीचे आ गया, 7 से कट गया, 7 × 4 = 28 तो कितना हो गया 9/8 आठ, 9 का भाग दे 9 में भाग दे 8 का, 8 × 8 पॉइंट कितना बच गया, 1 बच गया, 8 × 8 2 बच गए 20 हो गए, 8 × 2 = 16 फिर कितने 4 बच गए, 8 × 5 = 40 मीटर आंसर आ गया, 1.125 मीटर आंसर आ गया।